थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कहाँ से? पाकिस्तान। कहाँ से? कराची से। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। परदेश में देश की खुशबू, वो भी कहाँ पे मिला? अफगानिस्तान के स्टॉल में अपने चित्राल का टोपी का है यार, हमारा चित्राल का है यार, ऐसा बात नहीं करो यार, दा चित्राल ही टोपे ही दे यार। दरिया था वो दा अफगानिस्तान दरिया थे, उस टोपे हम था सुबह का अफगानिस्तान के भाई। कम मीटर आजा, ये कितना मीटर? और ये 6 मीटर का है, वो कपड़ा होता है उसको इस तरह लपेटती है। आप लोग बताए कमेंट में कि मैं एक नंबर अफगानी अफगानी लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, कमेंट से। बाकी कालीन बाकी ज्यादा है बस। ओ देशी भाई, ओ देशी भाई, अपने को, ओ भाई, अभी हम आ चुके हैं बांग्लादेश के स्टॉल के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का जो चिंची है ना, वो यहाँ पर खड़े हैं। ये देखो भाई, अभी भी मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी इस्तेमाल होता है। ये बलवा सन ने, हाँ, ये की गाड़िया से, की गाड़िया से रिक्शा है, ओ रिक्शा है भाई ये। जी दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं इंडिया के स्टॉल के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त रश है, यहाँ रखे हुए हैं। और ये पानी के लिए और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ऊँट है भाई, ऊँट को किस तरह सवारी के लिए तैयार किया जाता है, इनको भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। नमकीन यहाँ पर भाई साहब सेल कर रहे हैं, माशाल्लाह है भाई। इंडिया के सकावत में क्या क्या दिखा रहे हैं? चाय है हमारे पास। अच्छा, कड़क चाय इंडिया की। अच्छा जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना के अंदर। यहाँ पर जी 157 जो मुल्क हैं उनका जो कल्चर है वो यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो मुझे आज इनवाइट किया था भाई इस्लामिया ने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, हमारे चित्राल से इनका ताल्लुक़ है, सदुद्दीन भाई। बहुत शुक्रिया सदुद्दीन भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। आप हमारी दावत पे यहाँ आ गए, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूँ अज़ीज़ ख़ान, मदीना मुनव्वरा से। मग़रिब के नमाज के बाद का मंजर है, ज़ायरीन की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है। तो चलते हैं, एक पहले हम एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है जी। इसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश, फिर पे जाते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। अंदर आ चुके हैं जी, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इस तरह लोग बैठे हुए हैं, ज़ायरीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जी सऊदी अरब का जो कल्चर है वो पेश किया जा रहा है इस साइड। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। बाइज्जत तरीके से देने के लिए यही चीज़ है भाई। पाकिस्तान के स्टॉल के अंदर आप परदेश में देश की खुशबू है। और यहाँ पर जो पुराने ज़माने के आप यूज़ कर सकते हैं, हॉट पॉट रखे हुए हैं, कोई चीज़ आप बाइज्जत तक किसी को देने के लिए इसमें रख के सर्व किया जाता था, ठीक है भाई। गुड़ मौजूद है, गुड़ दा पिखवरे गुड़ मौजूद है यार, पिखवरे देखा ना, ये पिशावर का गुड़ भी इसके अंदर रखे हुए हैं भाई। खाने की चीज़ें हैं, गाड़ी वगैरह हैं। अच्छा अच्छा। और खाने की चीज़ें हैं, रोज जो है हम कभी चाय पेश करते हैं, कभी बिरयानी पेश करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें जो है। मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्या है भाई, ठीक ठाक खैरियत है? पेश किया जा रहा है भाई को, पहनाते हैं। और ये साथ आप थोड़ा पीछे हो जाओ। और यहाँ पर भाई सिंधी टोपी पहनाया जाता है, ठीक है जी। ये सिंध की सकाफत है भाई। और इसके बाद ठीक है जी, और ये जी सिंध के सकाफत। आप कहाँ से हैं? मैं चित्राल से हूँ भाई। चित्राल के सकाफत में क्या रखा हुआ है? वो हमारे पास चित्राली टोपियाँ थी। वो कहाँ है? इधर उधर हो गए। वो अफगानिस्तान से हमने दिखाया, उधर हमारे पास है। तो चित्राल के सकाफत यहाँ पे नहीं मिला, अफगानिस्तान स्टोर से मिला। तो वहाँ पे मैंने जाके झगड़ा किया भाई, ये तो चित्राल का सकाफत है। तो वो बोलता है हमारा एनीवे, लेकिन बहरहाल वो चित्राल का सकाफत है, पाकिस्तान का सकाफत है। यहाँ पर जी हमारा ये रिक्शा है, और यहाँ पर ये हमारा मशहूर जो ट्रक है, आप सबको पता है ये ट्रक है भाई, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पर ये रिक्शा भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस वक्त हम पाकिस्तान के स्टोर रात को ना यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के जो स्टोर लगे हुए हैं ना,
यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। अफगानिस्तान के जो स्टॉल है यहाँ पर आइसक्रीम तैयार किया जा रहा है माशाल्लाह। ये देखो भाई, ये अफगानिस्तान की तरफ से हलीफ है, ज़हरान है, शक्कर है और हील है, और इसमें डाल के यहाँ पर इस वक्त अफगानिस्तान के जो हमारे भाई है ठीक ठाक से जुड़े अफगानिस्तान। हाँ, आइसक्रीम तिबी है माशाल्लाह। यहाँ पर भी अफगानिस्तान के जो हमारे भाई आइसक्रीम बना रहे हैं और साथ में यहाँ पर अंदर भाई नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह अफगानिस्तान के फेस्टिवल के अंदर। और यहाँ पर भी अफगानिस्तान के फूड जो है ना वो से हाजी गुला सिंह चल रहे। तबियत खदा दस शे चाय दे जफरान दे अबियत दे किस शे दे। हाँ बड़ा अफगानिस्तान को जफरान मशहूर दे जफरान। हाँ जफरान मैं बोल रहा हूँ भाई, अफगानिस्तान का जो चाय मशहूर होता है वो जफरान ही होता है। ये देखो भाई यहाँ पर डिस्प्ले भी किया हुआ है। ये अफगानिस्तान का जो जफरान होता है ना ज़बरदस्त एक नंबर होता है। और साथ में यहाँ पर सारे अफगानिस्तान के प्रोडक्ट भाई हमें दिखाया जा रहा है। दिखा दो भाई एक एक चीज़ें। और ये क्या है? अच्छा किटोरी, ये हमारे चतराल के इसको हाँ तूत का ये भाई सूखा हुआ तूत वो भी यहाँ पर डिस्प्ले। और साथ में यहाँ पर भाई इनके पास मुख्तलिफ खुश मेवाजात हैं वो भी ये अफगानिस्तान के वो शाद वाइट कलर का शाद है माशाल्लाह। ये अफगानिस्तान दाम अफगानिस्तान दे अफगानिस्तान कुम से भाई देखी बदखशान। हाँ और दाम दाम शाद दे ये भी शाद है और ये भी शाद है भाई। ये अफगानिस्तान का शाद सेल किया जा रहा है और ये वाइट शाद है ये भी अफगानिस्तान का है माशाल्लाह। तो सिंगा चल रहे खैरियत दे तबियत खदा ओ शीशे दे यार। और यहाँ पर अफगानिस्तान का खूबसूरत कल्चर पेश किया जा रहा है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से या अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी हाथ के बने हुए हैं और साथ में यहाँ पर खुश मेवाजात अफगानिस्तान के पेश किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर जी है ये कलीने छोटे छोटे ये भी अफगानिस्तान के और दस छः दे ड्रेस है जी गुलाब लस बंदी जुड़ेगी दो दादाजी जुड़े। और ये भी हाथ के बने हुए हैं भाई ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये अफगानिस्तान का ज़फरान है भी ज़फरान आप दोस्तों को पता है अफगानिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त होता है अफगानिस्तान ज़फरान पूरे दुनिया के अव्वल नंबर माशाल्लाह। पाँच साल से भाई साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान का जो ज़फरान है वो टॉप में एक नंबर में चल रहा है माशाल्लाह। और ये वाइट कलर की भाई शहद अफगानिस्तान का कुम सुबह दे बाकी कालीन बाकी ये सजादा है बस जायनामा इसमें बड़ा भी होते हैं ना बड़ा ये भी राशि दस्ती। और ये अफगानिस्तान का है ये कलीन है ये बड़ा है और ये जायनामाज है ठीक है जी नमाज पढ़ने के लिए। और ये भी काफी जबरदस्त है ये तुलबा 340 तुलबा 10 पढ़ते हैं। अच्छा अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट है ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना में 340 पढ़ने ये काबुल है अफगानिस्तान के भाई। कम मीटर आजा ये कितना मीटर और ये 6 मीटर का है कपड़ा होता है इसको इस तरह लपेटती है। आप लोग बताएं कमेंट में कि मैं एक नंबर अफगानी लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ कमेंट से माशाल्लाह। चप्पन और चप्पन है भाई इस वक्त। और यहाँ पर मैं अफगानिस्तान के ड्रेस में हूँ भाई। हाँ और इनको ना जो कबाइल के मुशीर होते हैं या बड़े बड़े शेख होते हैं ना वो लोग इस ड्रेस को पहनते हैं अफगानिस्तान में। और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। चतराल का है यार हमारा चतराल का है यार ऐसा बात नहीं करो यार दा चतराल ही टोपे ही दे यार। हाँ दा खोजी मुंग चतराल ही दे यार मैं कहो यार दास वही दिन تاسو مون زمون دریا ته وای دا افغانستان دریا دی اوس ټوپم تاسو واغس ته مو پرېدا سړی هغه چتران ناروزی دا د سنگ افغانستان نو کوئی زموږ کوم خاص دا وګړه اوس تیسه جګړه شو یار
رازمون ٹوپیم میں واغس دس مون مل بھائی چہ ہر سوے مون سوے اور بھائی صاحب اور یہ خدا کا انمی دا 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 وڑے چھ دا کرنا افغانستان کے ہمی یعنی افغانستان کی حتى دا دا چھ دا 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 وڑے دا دا خو مانو دا افغانستان دے دا وڑے نہ جوڑ دا چترال چھ صحیح دے دا چترالی ٹوپی شو شرق افغانستان کے چکم شرق تھی کولا ننگلہار کنر نورستان اٹو دا گوندی دیکھو پاید ستاسو چترال کو اقتصاد کردی پردیس میں دیش کی خوشبو وہ بھی کہاں پہ ملا افغانستان کے اسٹال میں اپنا چترال کا ٹوپی مختصر ویڈیو کو اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں برازیل کی بھی ہے اور مختلف کلر کو بہت سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں ابھی اس کو سب کو ایکسپلور کرنا بہت ہی مشکل ہے ہم نے او دیشی بھائی اپنے کو او بھائی ابھی ہم آ چکے ہیں بنگلہ دیش کے اسٹال کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنگلہ دیش کا جو چینچی ہے نا وہ یہاں پر کھڑے ہیں یہ دیکھو بھائی ابھی بھی میرے خیال میں یہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ تعداد میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے جو ڈرائیور ہے وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں پیچھے ان کے دو پسنجر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر یہ بنگلہ دیش کا اسٹال لگا ہوا ہے جی ابھی بھی چل رہا ہے یار کی خبر کیا خبر ہے کیا بلوا سن نے کیا حال چال ہے یہ کی گاڑیا سے کی گاڑیا سے رکشہ ہے او رکشہ ہے بھائی یہ بنگلہ دیش کا رکشہ ہے ابھی بھی چل رہا ہے نا یہ ابھی بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کون سا پودا ہے یہاں پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے ساتھ میں یہ بنگلہ دیش کے کچھ بیچ ہے اور وہ بھی یہاں پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پر بھائی یہ بنگلہ دیش کے ٹکا پیش کیا جا رہا ہے یہ دو ٹکا ابھی بھی ہے یہ بول رہا ہے ابھی بھی ہے اور دیکھو بھائی میں بنگلہ زبان بھی سیکھ گیا آپ کے پاس آ کے جی دوستو اس وقت ہم آ چکے ہیں انڈیا کے اسٹال کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی کافی زبردست رش ہے یہاں پر جو انڈیا کا جو چیز ہے یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے خیریت سے ہیں بھائی یہ کیا چیز ہندوستان میں یہ ہے نمکین ہمارے یہاں نمکین نمکین یہاں پر بھائی صاحب سیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ ڈسپلے کر رہے ہیں ماشاء اللہ تو سوری تو ڈسپلے کر رہے ہیں داؤ چاہوں مدد سے اور کیا ہے بھائی انڈیا کے ثقافت میں کیا کیا دکھا رہے ہیں چائے ہے ہمارے پاس اچھا کڑک چائے انڈیا کی اچھا کڑک چائے بھائی دودھ والے چائے بہت ہی زبردست ہے انڈیا کا بھائی رسگلی بھی وہ بھی یہاں پر اور یہاں پر یہ گوال بھائی رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا دیکھو بھائی انڈیا بھائی آپ لوگ کمنٹ میں بتائے یہ بھائی صاحب رسگلے رکھے ہوئے ہیں کھلاتے نہیں ہیں یہ دیکھو دو ڈبے رکھے ہوئے ہیں لیکن بولتا ہے ہمارا کام صرف دکھانا ہے اور یہ کیا ہے بھائی یہ ہمارے یہاں کافی ہے کافی ہے ماشاء اللہ یہ کافی ہے پر انڈیا کے کچھ مسئلہ جات ہیں وہ یہاں پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جی ہمارے انڈیا کے جو کچھ پروڈکٹ ہیں ہمارے بہنیں ہیں نا انڈیا کے وہ اس کے اپنا ڈریس پہن رہے ہیں اور اس طرح آ جاؤ اور یہاں پر انڈیا کا یہ کچھ سمندری پتھر ہے میرے خیال میں یہ بھی یہاں پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے اور اس طرح کچھ ٹوپی ہے اور یہاں پر جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے خیریت ہے اور یہ انڈیا کے جو فیمیل ہمارے ڈریس ہے نا وہ یہاں پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے بہرحال میں نے آج انڈیا کا جو اسٹال بنا ہوا ان کو بھی ایکسپلور کر دیا جو انڈیا کے ہمارے بھائی بہنیں ادھر باہر کے ملک میں رہتے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کے ثقافت کو دیکھ سکتے ہیں جی دوستو اس وقت میں موجود ہوں سعودی عرب کا اپنا جو اسٹال ہے اس کے اندر یہاں پر آٹا پیسنے کے لیے گندم پیسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ کھیتی باڑی کے لیے مختلف جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی سعودی عرب کے مختلف بیچ ہے وہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ پانی کے لیے اور مختلف چیزیں ہیں اور وہ بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ اونٹ ہے بھائی اونٹ کو کس طرح سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان کو بھی یہاں پر شو کیا جا رہا ہے اور اس سائڈ میں سعودی کا عرب کا جو مجلس ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں چائے قہوہ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر ڈسپلے کیا جاتا ہے اس طرح
आप देख सकते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ चीज़ें कराकरी की सामान है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो बंदूक है पुराने ज़माने में यहाँ पर सऊदी अरब में इस्तेमाल किया जाता था वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पुराने ज़माने के जो बंदूक है सऊदी अरब में इस्तेमाल होते थे वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। इस साइड में बहुत सारे चीज़ें हैं सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाली। और यहाँ पर ये जो पीतल के बने हुए हैं चाय गावा के लिए जो इस्तेमाल होने वाले करकरी वो भी डिस्प्ले किए हुए हैं। और सामने ये आप सबको पता है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटेस्ट तस्वीर है वो हम भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। और यहाँ पर ये मसला जात बुलाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर। सलाम अलैकुम, कैफ हालक, हयाकुमुल्लाह, तैयब, क्या अखबार मीमिया, कैफ सेहत मीमिया। और अभी रियाल का जो पुराना नोट है वो और 10 रियाल का पहले नोट हुआ करता था और ये 5 रियाल का नोट है सऊदी अरब का मुख्तलिफ करेंसी है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। शुक्रन लक जजाकल्लाह खैर। और ये भाई पहले सऊदी अरब का जो लिप्स है ना वो कुछ इस टाइप का होता था। यहाँ पर ऊपर शुमाले रखते हैं साथ में ये रुमाल है। और यहाँ पर ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। और ये भी है पहले ज़माने में लोग बांधते थे, आजकल मेरे ख्याल में यमन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। साथ स्टिक और ये स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये तोप वगैरह पुराने ज़माने का जो ड्रेस हुआ करते थे वो किस इस तरह। और यहाँ पर ये बेक है भाई, ये बिल्कुल चमड़े के बने हुए हैं बेक है। पहले ज़माने में कुछ इस तरह के चमड़े के बेग बना के इस्तेमाल करते थे जा रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। सेल्फी ले ले भाई के साथ। एक नहीं भाई 10 ले लो। थैंक यू, शुक्रिया, जजाकल्लाह। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ से? कराची से। भाई फैन भी मिल गया, क्या नाम है आपका? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद, अब आप भी आ गया वीडियो में, आप आ जाओ भाई। आप कहाँ से? मैं मरदान से। अच्छा पख्तून, पख्तून रो मिला हो संगा चल रहे यार मरदान ने कौन से मरदान के खास पाकिस्तान से मरदान अडे। आप भी आ गया वीडियो में, ठीक है। अच्छा अच्छा ये तो यहाँ पक्का हुआ पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। शुक्रान जजाकल्लाह खैर। चलो भाई ये तीनों भाइयों से मुलाकात हो गई, इनका ताल्लुक चतराल से, इनका मरदान से, इनका कराची से। ये ज़्यादा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो चले जी आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना राय का इशार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर।